सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सीजफायर तोड़ने पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। जनरल रावत ने कहा कि अभी सीजफायर वायलेशन में कमी आई है, मगर आगे कमी नहीं आई तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे विकल्प खुले हैं। But if that offer of peace and tranquility is not reciprocated in an appropriate manner or the manner in which we are offering that offer, then this method of execution of operation. जनरल रावत ने जवानों को संदेश देते हुए कहा कि उनकी जो भी शिकायत है वो सोशल मीडिया पर रखने की बजाय सीधे उन तक पहुंचाएं। बिपिन रावत ने हर कमांड में एक शिकायत पेटी रखने का निर्देश दिया। Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes, so that the grievances reach directly to me, and through me, these can be addressed. आर्मी चीफ ने भरोसा दिलाया कि शिकायत दर्ज कराने वाले जवान का नाम गुप्त रखा जाएगा। इधर गृह मंत्रालय ने जवान द्वारा खराब खाने के आरोप पर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री ऑफिस को सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि जवानों में खाने को लेकर कोई असंतोष नहीं है। सोशल मीडिया पर खराब खाने की शिकायत को लेकर वीडियो पोस्ट करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर के वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। तेज बहादुर ने 31 दिसंबर 2016 को वीआरएस का आवेदन दिया था। तेज बहादुर 31 जनवरी 2017 को बीएसएफ की सर्विस से रिटायर हो जाएंगे। फिलहाल तेज बहादुर को दूसरी यूनिट में प्लम्बर का काम दिया गया है। तेज बहादुर के वीडियो पोस्ट करने के बाद ही गृह मंत्रालय और पीएमओ ने जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं पर अपनी रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक तेज बहादुर की यूनिट के किसी भी दूसरे जवान ने खाने की क्वालिटी पर सवाल नहीं उठाए हैं। सूत्रों की मानी जाए तो बीएसएफ 4 से 5 दिनों में फाइनल रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज देगी। खादी ग्रामोद्योग की ओर से छपने वाली सालाना डायरी और कैलेंडर पर पीएम मोदी की तस्वीर के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि ये महात्मा गांधी की पहचान मिटाने की कोशिश है। महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने भी इस पर नाराजगी जताई। आज एक महज फोटोग्राफिक प्रॉप बन गया है, उसके साथ तस्वीर निकालने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ पोज करके तस्वीर निकालने से कोई खादी का पूजक नहीं बन सकता। खादी ग्रामोद्योग ने विवाद को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि कैलेंडर पर सिर्फ महात्मा गांधी की ही तस्वीर लगे। ऐसी कोई परंपरा नहीं कि गांधी जी की तस्वीर जो है उस पर लगाई जाए। 96 में गांधी जी की कोई तस्वीर नहीं थी, 2002 में नहीं थी, 2005 में नहीं थी, 2011 में नहीं थी, 2013 में नहीं थी, 2016 में नहीं थी, तो ऐसी कोई परंपरा नहीं। जबकि बीजेपी ने कहा ये सिर्फ महात्मा गांधी के दर्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि इस मामले में अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्हीं के आत्मा के निर्देश अनुसार, उन्हीं के दर्शन के अनुसार यह पूरा काम खादी ग्रामोद्योग का होता है, तो कोई भी उन्हें रिप्लेस नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावेदारी को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव आयोग में आज दोनों गुटों ने अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह की ओर से कहा गया कि वो ही पार्टी के अध्यक्ष हैं और रामगोपाल यादव की तरफ से बुलाया गया अधिवेशन अवैध था। अभी नहीं, हम दोनों पार्टी को सुना गया, कोर्ट ने कहा हम न्याय करेंगे, सर क्या आप लोगों ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, दैट्स ऑल। वहीं अखिलेश गुट की ओर से दावा किया गया कि पार्टी में 2/3 बहुमत उनके साथ है, इसीलिए चुनाव चिन्ह के ये सिंबल उनको मिलना चाहिए, और बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। चुनाव आयोग से इस मामले की सुनवाई वैसे ही हुई जैसे कोर्ट में सिटिंग अरेंजमेंट होता है। यूपी चुनाव से ठीक पहले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज शामली के कैराना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए आज ओवैसी ने जमकर धर्म की राजनीति की। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुस्लिम समुदाय के साथ हमेशा से दूसरी पार्टियां भेदभाव करती रही हैं। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के सिविल पुलिस में कितने मुसलमान सब इंस्पेक्टर हैं। ओवैसी ने यूपी की अखिलेश सरकार और केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। ओवैसी ने मुलायम परिवार के बीच जारी विवाद को नौटंकी करार दिया।
ये और बात है कि बेटा बाप का नहीं हुआ और बाप को बेटे पर भरोसा नहीं है। ये अजीब यादव परिवार का नाटक आप देख रहे हैं कि बाप सुबह में एक बात कहता है और शाम में बेटा कोई और एक बात कहकर चले जाता है। अवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने भी यूपी की जनता को सिर्फ झूठे वादे किए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने माना है कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को समन नहीं किया जा सकता है। कमेटी ने आज साफ किया है कि उसके पास प्रधानमंत्री को समन जारी करने का अधिकार ही नहीं है। हालांकि नोटबंदी के मुद्दे पर जवाब मांगने के लिए मंत्रियों और अफसरों को बुलाया जा सकता है। इससे पहले पीएसी के चेयरमैन और कांग्रेस के नेता केवी थॉमस ने कहा था कि प्रधानमंत्री को नोटबंदी पर सफाई देने के लिए बुलाया जा सकता है। कोलकाता में कल होने वाली आरएसएस की रैली को कोलकाता हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मकर संक्रांति के मौके पर होने वाली इस रैली को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। We are very much satisfied. We don't want to make any more controversies about it and we are going to proceed with the Mohan Bhagwat ji's कार्यक्रम। कोलकाता पुलिस ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली इस रैली को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था और संघ को दूसरी तारीख बताने को कहा था, जिसके बाद आरएसएस ने कोलकाता हाईकोर्ट में अपील की थी। कोयला घोटाले में कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 23 जनवरी को तय की है। झारखंड के अमरकोंडा मुर्गा दंगल कोल ब्लॉक आवंटन केस में नवीन जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत 15 आरोपी हैं। नवीन जिंदल इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। आरोप है कि उन्होंने कोल ब्लॉक लेने के लिए झूठी जानकारियां दी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिंदल पर आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और 420 यानी धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हड़ताल के 8वें दिन आज हड़ताली कर्मचारियों ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों के प्रदर्शन में तीनों निगमों के मेयर भी शामिल हुए। कर्मचारियों की मांग है कि दिल्ली सरकार एमसीडी का बकाया फंड जारी करे और इस मामले पर राजनीति बंद करे। दिल्ली में फैले कूड़े के मामले में एनजीटी ने आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई। पूछा कि वेतन के लिए आवंटित रकम को बचाकर क्यों नहीं रखा गया। विवादास्पद खेल जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के खिलाफ आज तमिलनाडु में प्रदर्शन हुआ। डीएमके के बुलावे पर प्रदर्शन के दौरान लोग बैल लेकर पहुंचे, जिनकी पुलिस से झड़प भी हुई। इस प्रदर्शन में डीएमके के पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन और कनिमोही भी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए और फैसले का शांतिपूर्वक इंतजार करना चाहिए। यदि ये सरकार वहां के सुप्रीम कोर्ट के अवमान्य में वो रोकेगी नहीं, उस जलीकट्टू को होने देगी, उसमें कोई प्रयास नहीं करी रोकेगी, तो फिर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए। दावा है कि 2010 से 2014 के दौरान जलीकट्टू के कारण 17 लोगों की जान गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। वनडे टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने आज अपने फैसले को लेकर चुप्पी तोड़ी। धोनी ने बताया कि बतौर टीम इंडिया का कप्तान उनका सफर काफी अच्छा रहा। No, that was a very satisfying thing to see, but overall, you know, it was a journey that I really enjoyed. धोनी ने विराट कोहली की कप्तानी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान रखना भारत में कामयाब नहीं होगा। धोनी ने कहा कि विराट को हर फॉर्मेट में कप्तान बनाने का फैसला सही है। I felt that was the key factor for Virat and right from the start we have interacted a lot. हालांकि धोनी ने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फील्ड पर विराट को अपनी सलाह देते रहेंगे।